जिंदा छोड़ दोगे? नहीं 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 नहीं, परी को तो आज मर नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो राकेश की नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम क्यों आए हो? शादी करनी है तुमसे अभी इसी वक्त। क्या परी और राजीव की हो पाएगी शादी? क्या राजीव बचा लेगा परी की जान? जिस तरीके से कलर्स चैनल पर आ रही सीरियल परिणीति में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अब शो की कहानी आगे बढ़ेगी। यानी कि एक तरफ तो राजीव ने नीति को घर से बाहर निकाल दिया है कि बाहर वालों की इस घर में कोई जगह नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, तो आप बाहर वाली हैं तो आप बाहर जाइए। परी को तो आज मर नहीं जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो राकेश की नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। तुम क्यों आए हो? शादी करनी है तुमसे अभी इसी वक्त। और उसे घर से निकालकर उसके मुंह पर ही गेट बंद कर लिया है। तो यहाँ पर नीति को ये बात बहुत ज्यादा खलती है। अब नीति की मां उसे समझाती है, बेटा वो अब तुम्हारा पति है नहीं, तुम्हारा तलाक हो चुका है, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राकेश को पकड़कर ये लोग ले आते हैं। अब राजीव राकेश से कहता है कि भाई देख, मैं तुझे मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मुझे जेल भी जाने का डर नहीं है, इतना बता दो परी कहाँ है। अब राकेश जो है कॉल करवाता है, कॉल पे बात होती है, राकेश को बताता है उसका बंदा कि वो तो भाई नीलगिरी पहाड़ी के पास है, हम तो उसे मां छोड़ आए, परी तो वही है। अब यहाँ पर राजीव जो है परी को बचाने के लिए जाएगा, और जहां तक हमें लगता है, जो हम देखते आए हैं कि परी हमेशा बच जाती है, राजीव हमेशा बचा लेता है, तो इस बार भी ऐसा ही शायद हो कि राजीव परी को बचा ले। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में आपको और भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां पर राजीव परी को बचा लेगा, नीति को भी शायद समझ में आ जाए, और अब भी नहीं आया तो भैया क्या ही कर सकते हैं। तो परी और राजीव की शादी होती हुई हमें दिखाई देगी फाइनली। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।